कभी साथ खेली पली बड़ी, बहनों ने जब एक ही शख्स से शादी कर ली तो भला उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे हो गई। नमस्कार, जुड़वा बहनों ने एक ही युवक से शादी रचा लिया, लेकिन क्या यह कानूनन मुमकिन है? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। सोलापुर के अकलूज इलाके में एक युवक ने एक ही मंडप में मुंबई की दो जुड़वा बहनों से शादी कर ली है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी हैं। यह शादी कैसे संपन्न हुई, इसकी जानकारी अकलूज थाने के एसएचओ अरुण कुमार सुगावकर ने दी है। अरुण ने बताया है कि मुंबई की जुड़वा बहनों पिंकी और रिंकी की शादी अतुल से हुई। जुड़वा होने के साथ वे दोनों एक जैसी दिखती हैं। उन्होंने बचपन से ही शादी करने और एक ही घर में रहने का फैसला किया था। सुगावकर कहते हैं कि दोनों ने बहुत पहले एक ही युवक से शादी करने का फैसला किया था। उनके परिजनों ने शादी को मंजूरी दे दी थी। शादी सोलापुर जिले के अकलूज में जामापुर रोड पर गलांडे होटल में हुई है। अतुल का पैतृक गांव मौलशीरस है। उनका मुंबई में ट्रैवल का कारोबार भी है। दूसरी ओर रिंकी और पिंकी आईटी इंजीनियर हैं। दोनों अपनी मां के साथ रहती थीं। तभी अतुल की इन दोनों से जान पहचान हो गई, फिर पहचान प्यार में बदल गई। एक बार जब पडरगांवकर परिवार की मां और दोनों बेटियां बीमार पड़ गईं, तो अतुल उन्हें अपनी कार से अस्पताल ले जाते थे। जब अतुल ने पडरगांवकर परिवार की बीमारी के दौरान देखभाल की, तो उनके बीच नज़दीकियां बढ़ गई। शादी की पुष्टि के लिए मराठी ने अकलूज में होटल गलांडे के मालिक नाना गलांडे से फोन पर संपर्क किया। नाना गलांडे ने स्वीकार किया कि यह विवाह उनके होटल में हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शादी शुक्रवार 2 दिसंबर की दोपहर होटल में हुई थी। शादी समारोह आयोजित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले संपर्क हम ही से किया था। उस समय हम थोड़ा हैरान हो गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियां काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। लड़कियों ने कहा कि उन्होंने मिलकर अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी करने का फैसला किया है, और अंत में यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे दोनों तैयार हैं, मैंने उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य विवरण लिए। उसके बाद शादी हमारे होटल में होने दी गई है। शादी के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आए और एक युवक ने इसकी शिकायत अकलूज के थाने में दर्ज कर दिया। इस बात की जानकारी अकलूज थाने के एसएचओ अरुण सुगावकर ने